हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 जावा। बाकी के तीन हैं जैसे कि प्रोसेसर चिप, प्रिंटर और माउस। नेक्स्ट है हार्डवेयर के अंतर्गत आती है तो ऑप्शन 3 कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसें जिनका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। अगला, एक खाली जगह, डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती हैं तो ऑप्शन 2 इनपुट। नेक्स्ट है खाली जगह है, डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है तो ऑप्शन 5 इनपुट। अगला है कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है तो ऑप्शन 1 कीबोर्ड। अगला है आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटरों अथवा लैपटॉपों का कीबोर्ड के खालिस्तान के नाम से लोकप्रिय है तो ऑप्शन 1 क्वेर्टी। क्वेर्टी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती हैं तो ऑप्शन 3 104। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके तो ऑप्शन 1 फंक्शन कुंजियां। अगला है, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के करेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है तो 5वां हो जाएगा बैक स्पेस। अगला है खाली जगह कुंजी और खाली जगह कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो ऑप्शन 1 कंट्रोल कुंजी और आल्ट कुंजी को यहाँ पर भरा जाएगा। निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं तो ऑप्शन 2 हो जाएगा शिफ्ट कुंजी को कॉम्बिनेशन कुंजी कहते हैं। निम्न में से टॉगल कुंजी किसको कहते हैं तो ऑप्शन 5 दूसरा और तीसरा नम लॉक कुंजी और तीसरा है कैप्स लॉक कुंजी। एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है तो ऑप्शन 1 ओके बटन। शिफ्ट कंट्रोल आल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण हैं तो मॉडिफायर कुंजी। अगला है कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजियां निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती हैं ऑप्शन 2 डॉक्यूमेंट को देखने के लिए पेज स्क्रॉल करना। कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है तो 3 हो जाएगा इनपुट। माउस का आविष्कार किसने किया था तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 डगलस एंजेलबर्ट। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को खालिस्तान कहते हैं तो 2 हो जाएगा कर्सर कहते हैं। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है तो ऑप्शन 1 माउस। कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के 3रे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो 2 हो जाएगा स्क्रॉल व्हील। जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप खालिस्तान करते हैं तो ऑप्शन 3 हो जाएगा डबल क्लिकिंग। अगला है ट्रैक बॉल खालिस्तान का एक उदाहरण है तो ऑप्शन 2 पॉइंटिंग डिवाइस का।
ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दूसरा, कैम वर्क स्टेशन में। जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग खालिस्तान के लिए होता है। तो टेक्स्ट एंटर। पीडीए नामक हैंड हेल्ड कंप्यूटर का अर्थ है? तो तीसरा हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? बारकोड रीडर। बाकी के तीन हैं, माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बारकोड्स कहते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है, तो OMR। किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है? तो ऑप्शन एक OMR। OCR को कहते हैं, तो OCR को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से करेक्टर की खालिस्तान को पहचानता है। तो सेप। MICR में सी निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन तीसरा, करेक्टर के लिए। अगला है, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो MICR। स्मार्ट कार्ड क्या है? तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है? तो ऑप्शन दूसरा, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन फोर, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। अगला है, खालिस्तान ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, स्कैनर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं है? तो देखिए गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, डिजिटल स्कैनर। नेक्स्ट है, खालिस्तान का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, स्कैनर। अगला है, यह इमेज ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। तो ऑप्शन तीसरा, स्कैनर। आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन दूसरा, माइक्रोफोन का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन एक, वेबकैम। आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ऑप्शन एक, डाटा देखने या प्रिंट। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो ऑप्शन फाइव, आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी किस से रिलेटेड है? तो ऑप्शन फोर, स्क्रीन आउटपुट से। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट खालिस्तान में मापी जाती है? तो ऑप्शन एक, हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला है, खालिस्तान मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं? तो ऑप्शन फोर, ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन दूसरा, पिक्सल। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन खालिस्तान कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन एक, रेजोल्यूशन कहते हैं। अगला है, CRT खालिस्तान आकार में होता है? तो ऑप्शन दूसरा, आयताकार। इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? तो दूसरा हो जाएगा, स्कैनर। बाकी के तीन हैं, मॉनिटर, रैम और माउस। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु खालिस्तान का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो ऑप्शन एक, प्रिंटर का। अगला है, DPI दर्शाता है? तो DPI क्या दर्शाता है? तो डॉट प्रति इंच को दर्शाता है। अगला, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है? तो ऑप्शन एक, रिबन का प्रयोग होता है।
निम्न में से पिन प्रिंटर कौन सा है? तो ऑप्शन 4 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला है खालिस्तान, प्रिंटर एक समय में एक से अधिक करेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 डॉट मैट्रिक। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड होती है, तो ऑप्शन दूसरा 30 से 200 अक्षर पर सेकेंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा छपाई किसके माध्यम से की जाती है? तो बिंदुओं के द्वारा। अगला है ड्रम प्रिंटर खालिस्तान प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 लाइन। अगला है इलेक्ट्रो स्टैटिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है? तो ऑप्शन 4 नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में। निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? तो ऑप्शन 3 लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर। किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 प्लॉटर का प्रयोग। स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन 3 साउंड कार्ड का। निम्नलिखित में अस्थाई आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? तो प्रोजेक्टर। फैक्स मशीन निम्न में से किसका उदाहरण होता है? तो ऑप्शन 3 इनपुट आउटपुट। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन 1 प्रिंटर का एक उदाहरण है। सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसों को खालिस्तान के द्वारा डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो IO पोर्ट्स। किस इनपुट अथवा आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? तो सीरियल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर। किस पोर्ट से एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं? तो पैरेलल पोर्ट। यूएसबी का प्रयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शन 3 पोर्ट टाइप। पोर्ट टाइप। निम्नलिखित में से कौन से यूएसबी के गुण हैं? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है? तो दूसरा हो जाएगा प्लग एंड प्ले। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो फायर वायर। MPEG को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो MP3। अगला है खालिस्तान, एक ऐसा प्लेयर है जिससे ऑडियो या वीडियो CD को चलाया जाता है। तो ऑप्शन 1 MPEG। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो MIDI। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।